नमस्ते दोस्तों। तो हमारे साथ है अभी बाउंस इन्फिनिटी की इवन। इस वीडियो में पूरी डिटेल देने वाला हूँ आपको बाउंस इन्फिनिटी इवन के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं गाइस। तो ये है बाउंस इन्फिनिटी की इवन इलेक्ट्रिक स्कूटर। और ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है इसको आगे आपको फ्रंट टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाएंगे, यहाँ पे डिस्क ब्रेक मिल जाएगा। जैसे आप पीछे आते हो यहाँ पे इनका है लेग स्पेस, आप देख सकते हो थोड़ा कम है, बट ओवरऑल सीट देखूँ तो बहुत ही अच्छा खासा सीट है, उसका आर्गोनॉमिक डिजाइन है। ये है इसका जो फुट रेस्ट ऐसा अंदर जाता है और ऐसा करोगे तो बैठ जाता है, फिर से दबाओगे तो बाहर आ जाता है। पीछे है इसका मोटर गाइस, 1500 वैट का मोटर है, 1500 वैट BLDC हब मोटर। और यहाँ पे आपको मिलेगा डिस्क ब्रेक। पीछे अगर आप देखते हो तो LED DRLs विद इंडिकेटर आपको मिल जाएंगे बहुत अच्छे खासे। यहाँ पे इनका जो मेन है बाउंस इन्फिनिटी E1 उनका ब्रांडिंग है गाइज। ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है बहुत ही तगड़ा टॉर्क आपको देती है और इसका टॉर्क स्पीड जो है वो है 65 km/h का टॉप स्पीड। अगर मैं आपको दिखाऊं सर प्लीज़ डिक्की खोलिएगा। सो गाइज यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ये है बैटरी, अभी ये कंपनी फिटेड बैटरी है, टेस्ट राइड चल रहा है तो यहाँ पे एक्चुअल बैटरी नहीं है, बट ये 1.87 किलोवाट आवर का बैटरी होगा और 1.87 किलोवाट आवर में ये आपको 85 किलोमीटर्स का रेंज देगी। यहाँ पे बहुत अच्छा खासा बूट स्पेस मिल जाता है, यहाँ पे अलग सी बैटरी आप रख सकते हो। तो ये हुआ इलेक्ट्रिक स्कूटर। सर बंद कीजिए एक मिनट, एक सेकंड सर का हेलमेट, आप हेलमेट दिखा देता हूँ मैं आपको इसमें रख के। ये देखिए हेलमेट भी बैठ जाएगा अच्छा खासा अगर आप रखोगे तो, ये बिग साइज हेलमेट है। इफ यू कम टू द इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर, तो ये है इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर, अभी गाड़ी शुरू हो रही है, ये अभी फुल्ली चार्ज नहीं है, दोनों इंडिकेटर शुरू है। यहाँ पे आपको स्पीड दिख जाता है, यहाँ पे आपको कितना चला है वो दिख जाता है, यहाँ पे इग्निशन दिख रहा है अभी। यहाँ पे तीन मोड्स मिल जाते हैं गाइस, ड्रैग मोड है, इको मोड है और पावर मोड है। इको मोड में आपको 40 तक का टॉप स्पीड मिलेगा, पावर मोड में आपको 65 km/h तक का टॉप स्पीड मिलेगा। यहाँ पे रिवर्स है, यहाँ पे आपको मेन इग्निशन है, ऑन लेफ्ट हैंड साइड हॉर्न है, बहुत ही अच्छा हॉर्न है। यहाँ पे इंडिकेटर्स है, लेफ्ट एंड राइट इंडिकेटर, फिर यहाँ पे आपको अपर एंड डिपर मिल जाएगा। तो ओवरऑल बहुत अच्छा खासा दिखने वाला ये इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है गाइज, इसकी नासिक में ऑन रोड प्राइस है अराउंड 80,000। देख लीजिए एक बार कैसा दिख रहा है। तो गाइज ये जो स्कूटर है इसका अभी मैं आपको टेस्ट राइड भी दे देता हूँ। दिखने के लिए बहुत ही अच्छा स्कूटर है, खुद ऋतिक रोशन इसके ब्रांड एम्बेसडर है, तो मुझे लगता है कि इसका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो भी अच्छा होगा, इसका टॉर्क भी बहुत बढ़िया है। बट यही एक बात है गाइज कि इसकी जो बैटरी है, बहुत सारे केसेस हमें मिल रहे हैं, आई होप इसका बैटरी वेल मैन्युफैक्चर्ड होगा, थर्मल मैनेजमेंट अच्छा होगा, ताकि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे और आपको कौन सा भी प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। तो चलिए गाइज अभी टेस्ट राइड लेते हैं। सो गाइज ये देखो अभी गाड़ी चल रहा है 17, 18, 50। अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा फास्ट लेके इसका टेस्ट राइड लेंगे। सर थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ, पावर मोड में लेके जाते हैं बाउंस इन्फिनिटी E1 गाइज। गाइज स्कूटर के सस्पेंशन बहुत ही स्ट्रांग है, मैं अभी फील कर रहा हूँ जब मैं रेयर और आप देख सकते हो पीछे में बैठा हूँ, तो इतने स्पीड पे हम चल रहे हैं, थोड़े से ओवर दाबर रास्ते हैं बट स्पीड बहुत ही अच्छा है। लेग स्पेस का ही थोड़ा सा इशू है कि आगे लेग स्पेस अच्छा नहीं है, पिछला राइडर जो है पिलियन उसको अच्छा खासा स्पेस मिल रहा है, कंफर्टेबल सीट है, वाइड सीट है और जब हम टर्निंग कर रहे हैं टर्निंग रेडियस भी कम है, सीट बहुत ही अच्छा है, एर्गोनॉमिक डिजाइन है, राइडर कंफर्ट अच्छा है। एक ही है गाइस कि लेग स्पेस थोड़ा कम है, बट ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो टॉर्क बहुत अच्छा है, स्पीड बहुत अच्छा जल्दी कैप्चर करती है, क्योंकि 1500 वैट का उसका BLDC हब मोटर है, तो बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल आपको देगा। सिटी टू सिटी अच्छा है बट इसका रेंज जो है वो लिमिटेड है, तो शायद गाइस जो कंपनी रेंज बोल रहा है उतना नहीं मिलेगा, 65 तक का आपको रेंज मिल जाएगा सिंगल चार्ज में।
So guys, this is Bounce Infinity's swapping station. As you can see here, there are four slots where you can keep your batteries and you can charge the battery. The swapping station thing is like LPG cylinder. I hope all of you know that LPG cylinder, जब वो empty हो जाता है, हम empty cylinder दे देते हैं और जो भरा हुआ cylinder वो लेते. तो in same way, आप इसमें आपका battery डाल सकते हो जो charge होगा और इसमें से जो fully charged battery है वो निकाल के आप आपके vehicle में डाल सकते हो. So this is what is first time in India, Bounce Infinity coming up with the swappable battery stations.